चार अशारिया मशकी सिर्फ 4.1 का पांचवा सवाल। खिलौने में एक रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये है। जीएसटी की शरह 18% है, तो इस कार की काबिल टैक्स कीमत इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी महसूब कीजिए। यहाँ पर जीएसटी साथ में इंक्लूड किया गया है। ऐसी सूरत में हम लोग क्या करेंगे, फर्ज कर देंगे काबिल टैक्स रकम जो है ₹1 और ₹1 पर जीएसटी कीमत निकाल लेंगे और वो जीएसटी की कीमत हो जाएगी 18% है, जीएसटी 18x/100 हो जाएगा और जो कीमत देना है वो हो जाएगा x+18x/100। उसको हल करेंगे और फिर उसके बाद जो कीमत रखेंगे तो जवाब मिलेगा। देखो किस तरह से हल करेंगे हम लोग, इसको हल करें। पहले तो ₹1 फर्ज कर लिए, किसको फर्ज कर लिए, खिलौने की कीमत या काबिल टैक्स रकम। खिलौने की कीमत तो 1770 रुपये है, लेकिन जीएसटी इंक्लूड है 1770 में। हम लोग जो है पहले एक्स कीमत रखेंगे तो उसकी असल कीमत कितनी थी वो मालूम करेंगे। जीएसटी बराबर हो जाएगा। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का जाब्ता क्या है, बार बार याद रख, जीएसटी का जाब्ता है जीएसटी बराबर काबिले टैक्स रकम ज़र्ब जीएसटी की शरह, काबिले टैक्स रकम ज़र्ब जीएसटी की शरह, काबिले टैक्स रकम ज़र्ब जीएसटी की शरह। जीएसटी की शरह 18%, इसलिए 18/100। काबिले टैक्स रकम जो है एक्स है, इसलिए जीएसटी बराबर हो जाएगा 18x/100, जीएसटी बराबर हो जाएगा 18x/100। दूसरी कीमत, फरोख कीमत क्या होती है, ये भी जाब्ता याद रखना। एक जाब्ता ये जहन में रखो, ये जाब्ता जहन में रखो, क्या जीएसटी बराबर काबिल टैक्स रकम ज़र्ब जीएसटी की शरह। और दूसरा जाब्ता आएगा फरोख कीमत बराबर हो जाएगा काबिल टैक्स रकम जमा जीएसटी, फरोख कीमत बराबर काबिल टैक्स रकम जमा जीएसटी, ये जहन में रखना। अब फरोख कीमत कितनी है, 1770 रुपये, काबिल टैक्स रकम कितनी है, ₹1, जीएसटी कितना है, 18x/100। अब इस मसावत में कीमत रखेंगे, हल कर लेंगे, जवाब आ जाएगा 1770 रुपये काबिल फरोख कीमत है, 1770 रुपये फरोख कीमत है, काबिल टैक्स रकम एक्स है जमा 18x/100, तिरछी जब करे 100x+18/100, इसको हल करे 118x/100, 1770 बराबर 118x/100। यहाँ पर ये इसको जर्ब करेंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब इसी को 118 से तकसीम कर देंगे, एक्स बराबर 118 से तकसीम करते हैं, 118 से तकसीम करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 1500। हम लोग तकसीम करके देख लेंगे, तकसीम करते भी आती है, और नहीं तो भी 2 से काटेंगे, धीरे धीरे काट के जवाब लेके आ जाएंगे। एक्स की कीमत आई जवाब, एक्स की कीमत 1500 रुपये, 1500 रुपये क्या आई, काबिल टैक्स रकम 1500 रुपये, काबिल टैक्स रकम आ गई 1500 रुपये, कार की काबिल टैक्स कीमत 1500, इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी महसूब करना। अब यहीं पर कीमत रख लेंगे हम लोग, जीएसटी बराबर एक्स पे रख लिए तो क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। ये जाब्ते के अंदर एक्स की कीमत रख दिए, जीएसटी आ जाएगा, उसका आधा कर देंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा। जीएसटी बराबर कीमत रखी, इसमें कीमत रखी जीएसटी 18x/100, कीमत रखे एक्स की जगह कीमत रख दिए, 18x, ये एक्स, यहाँ से एक्स आ गया, देख रहे, ये दो जीरो कट जाएगा, बाकी का आगे हल हो जाएगा, जीएसटी 270 रुपये। अब इस 270 का निस्फ करेंगे, 270 का आधा कर देंगे हम लोग, तो फिर हम लोगों को कीमत और भी आ जाएगी, इसकी कीमत आ जाएगी 270 का आधा करें 135, 135 जो हो जाएगा एसजीएसटी और सीजीएसटी होगा। जब तक हम लोग पहले भी याद करें एमसीक्यू के अंदर, जो जिस तरह से सवाल
स्टील के बर्तन की लिए दिया गया था। स्टील के बर्तन की पर जीएसटी की शरह जो है हम लोग को बताया गया था और याद भी करे थे। स्टील के बर्तन पर जीएसटी की शरह जो है 18% है, तो एस जीएसटी 9% होगा, उसका निस्फ करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी इसका निस्फ करेंगे, जब्ता लिखेंगे सी जीएसटी बराबर एस जीएसटी बराबर 1/2 जीएसटी। आगे हल करें जवाब आ जाएगा हम लोगों का सी जीएसटी बराबर 135। जवाब लिखे, जवाब क्या लिखे? सी जीएसटी 135 रुपये, एक्स जीएसटी 135 रुपये, और कार नुमा खिलौने की काबिले टैक्स रकम 1500 रुपये। मस्के सेट 4.1 का सातवां सवाल। प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड से 40,000 रुपये छपी हुई कीमत की वॉशिंग मशीन खरीदा। इस पर दुकानदार ने 5% रियायत दी। जीएसटी के शरह 28% है, तो प्रसाद को वो वॉशिंग मशीन कितने रुपये में मिलेगी? टैक्स इनवाइस में सी जीएसटी और एस जीएसटी कितने रुपये होंगे? 5% रियायत है, इसका 5% निकाल लेंगे। 5% निकाल लिए मतलब क्या कर दिए? दो सिफर काट दिए यहाँ से, 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 हो जाएगा। तो उसकी कचपी हुई कीमत पर उसको जब इलेक्ट्रो रियायत 5% मिल जाएगी, तो जीएसटी उसको 38,000 रुपये पैदा करना पड़ेगा। हल करेंगे, वॉशिंग मशीन पर छपी हुई कीमत 40,000 रुपये है, इस पर 5% रियायत दी गई, तो रियायत बराबर हो जाएगा छपी हुई कीमत जर रियायत की शरह। सीधे सीधा हल करना है इसको। वॉशिंग मशीन की काबिलियत टैक्स रकम 38,000 रुपये, इस पर जीएसटी की शरह 28%, 38,000 पर 38,000 पर जीएसटी की फीसद 28% निकालेंगे 10,640 रुपये, उसका आधा करेंगे, उसका निस्फ करेंगे 10,640 रुपये का निस्फ करेंगे, 5,320 रुपये सी जीएसटी और एस जीएसटी होगी। रियायत का जाब्ता जरा याद रख लो, यहाँ पर रियायत बराबर क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। रियायत बराबर हो जाएगी रियायत की शरह जर्ब छपी हुई कीमत, रियायत की शरह जर्ब छपी हुई कीमत। रियायत की शरह जर्ब छपी हुई